हेलो स्टूडेंट्स, आज मेरे पास टॉपिक है जो काफ़ी स्टूडेंट्स को डाउट रहता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एंड इन वीवो फर्टिलाइजेशन में क्या डिफरेंस है। इन विट्रो एंड इन वीवो दो वर्ड्स हैं, रिप्रोडक्शन में यूज होते हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम भी कहते हैं हम लोग। इन विट्रो का मतलब होता है जब भी कोई भी एक्सपेरिमेंट या रिएक्शन हम लोग लैब में परफॉर्म करते हैं, जैसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आपके पास वहाँ पर दिया हुआ है कि जब प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है या इनफर्टिलिटी के केस जो पाए जाते हैं, तो उस केस में हम लोग यूज़ करते हैं आर्ट का, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करते हैं। कई सारी टेक्नोलॉजीज़ के बारे में यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़, सबसे पहले उनमें इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की बात होती है कि किस तरीके से जो गैमिट्स हैं उसको आइदर वीमेन या वाइफ या डोनर से लेकर हस्बैंड या किसी डोनर को क्या स्पर्म लेकर किस तरीके से फर्टिलाइजेशन टेस्ट ट्यूब में किया जाता है, मतलब लैब में किया जाता है। और जब वो गैमिट फ्यूज हो जाते हैं, मतलब फर्टिलाइजेशन जो होता है वो आउटसाइड द बॉडी टेक प्लेस करता है, जब वो फ्यूजन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, उसके बाद उसको हम लोग डालते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में। अब उसकी उसको लेकर दो प्रोसेस हैं, मतलब आफ्टर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हम लोग एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं, मतलब उस एम्ब्रियो का ट्रांसफ़र करते हैं। अगर अप टू 8 ब्लास्टोमर है, मतलब ब्लास्टोमर जो स्टेजेस हैं, डिफ्रेंशिएशन थोड़ा कम हुआ है उस जाइगोट में, तो उसको हम लोग फेलोपियन ट्यूब में डालते हैं। फेलोपियन ट्यूब इनिशियल ट्रैक्ट होता है, फेलोपियन ट्यूब जहाँ फर्टिलाइजेशन होता है एम्पुलरी स्पिन जंक्शन पे, वहाँ प्लेस कर देते हैं। और अगर फर्टिलाइजेशन, अगर वो एम्ब्रियो का जो डिफरेंशिएशन है वो मोर देन 8 ब्लास्टोमर हुआ है, तो उसको हम लोग यूटेरस में प्लेस करते हैं, और इस प्रोसेस को हम लोग इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र करते हैं, IUT कहते हैं। तो एक अगर फेलोपियन ट्यूब में करेंगे तो जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफ़र, और अगर मोर देन 8 ब्लास्टोमर हो गया है तो उसको हम लोग यूटेरस में फिक्स करेंगे, दिस इज कॉल्ड एज इंट्रायूटराइन ट्रांसफ़र। कुछ केसेस इन वीवो के होते हैं, जैसे इन वीवो क्या होता है, इन वीवो का मतलब ये होता है कि जब भी हम लोग फंक्शंस को, मतलब लिविंग बॉडी के अंदर ही एक्सपेरिमेंट करें, एक्सपेरिमेंट को लिविंग बॉडी के अंदर ही परफॉर्म करें, दिस इज कॉल्ड एज इन वीवो एक्सपेरिमेंट। या यहाँ पर अगर मैं फर्टिलाइजेशन की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर क्या होगा, इन वीवो फर्टिलाइजेशन होगा जब फ्यूजन, जो गैमिट का फ्यूजन हो विद इन द फीमेल बॉडी, हो फीमेल बॉडी के अंदर फ्यूजन कराते हैं, तो उस केस में फीमेल बॉडी के अंदर हम लोग फर्टिलाइजेशन कराएंगे। और जो फीमेल कंसीव नहीं कर सकती, कंसीव ना करने की वजह से वो इनफर्टाइल है, तो उसके बाद हम लोग उसको वहाँ पे प्लेस कर देंगे। तो ये हो गया फर्टिलाइजेशन इनसाइड द बॉडी, लेकिन फिर बाद में उसको प्लेस कर देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे एम्ब्रियो का, एंड दिस इज कॉल्ड एज इन वीवो फर्टिलाइजेशन। इन वीवो फर्टिलाइजेशन में यहाँ पर चीज़ें जस्ट उसका अपोजिट है, बट एक्सपेरिमेंट लगभग सेम है, टेक्नोलॉजिकली साइंटिफिकली जो एक्सपेरिमेंट है उसका एम सेम है, इनफर्टिलिटी केस में इसको इम्प्रूव करना और उनको क्या कहते हैं बेबी अडॉप्ट करने का सिस्टम। तो ये चीज़ें चलेंगी, और अब मुझे लगता है कि इतना नॉलेज आपके लिए सफिशियंट होगा। तो ये दोनों आर्ट थे, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज।